जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हैं प्रभु के पास दो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जिनके नाम है एक माया और एक भक्ति। जब भी मनुष्य प्रभु के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा होता है, प्रभु उस व्यक्ति के मन में आंतरिक भाव लाते हैं। वह पूछते हैं कि तुम्हें माया चाहिए या भक्ति। जब मनुष्य प्रभु से कहता है कि क्या अंतर है माया और भक्ति में, तब प्रभु उत्तर देते हैं, अगर तुम्हें इस संसार में नाचना है तो तुम माया लो, और अगर तुम्हें मुझे अपने इशारों पर इस संसार में नचाना है तो तुम भक्ति लो। और अगर कोई भी व्यक्ति माया मांगता है, अर्थात धन दौलत संपत्ति मांगता है, तो वो आजीवन प्रभु के इशारों पर नाचता रहता है और 84 के चक्कर से नहीं निकल पाता। और अगर वही मनुष्य भक्ति मांगता है तो प्रभु उसके इशारों पर नाचते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उसके एक आवाज लगाते ही प्रभु दर्शन के लिए, उसकी रक्षा के लिए हर दम उपस्थित रहते हैं। इसलिए बार बार यही कहा जाता है कि प्रभु भजन कीजिए, इस 84 के चक्कर से निकल जाइए। जितनी भक्ति भावना अपने हृदय में लाएंगे इस 84 के चक्कर से जल्द अपने आप को बचा लेंगे, अन्यथा 84 लाख योनियों में यूं ही दर बदर भटकते रहेंगे। इसलिए अपने अंदर भक्ति लाइए, प्रभु के समक्ष जब भी खड़े हो प्रभु से केवल और केवल भक्ति ही मांगिए। जय श्री कृष्ण।